सामने दिख रहा है आपको पद्मताल, और वो जो झरोखा दिख रहा है, झरोखे से रानी नीचे कूदी थी जौहर करने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉगर वीडियो में। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगे। आज हम हैं रणथंभौर में विद ब्लॉगर मैम, और भी है, पूरी फैमिली है हमारी। ये देखो, ये हमारे पापा, ये भाई। अभी लोग आए हुए, हम अभी जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट में, जहाँ पे गणेश जी का टेंपल है। चढ़ाई चढ़ते हुए अराउंड 10:30 बजे का टाइम है, बहुत धूप हो रही है, बट स्टिल ये लोग चढ़ेंगे अच्छे से ऊपर तक पहुँचेंगे। तो आप भी हमारे साथ चढ़ते रहिए, दिखाते हैं आपको रास्ता पूरा। ये चारों तरफ का नज़ारा है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी शांत। ये वहाँ तक जाना है हमें ऊपर। ये देखो, ये लोग तो इतना भार ले लेके भी चढ़ते हैं, उनकी सांस ऐसे ही गले में आ रही है, बट स्टिल चढ़ते हैं। ये आपके लिए रेलिंग चढ़ने के लिए, आराम से चलो। ये साथ में रिवर है या झील है, ये पूरा पहाड़ पहाड़ जैसा। ओके, ये सब लोग रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों आ जाए हैं गणेश पुत्री चढ़ाने के लिए, साथ में प्रज्ञा शर्मा जी और अभिजीत। पहाड़ी चढ़ाई है, सीढ़ियाँ और धूप भी है, लेकिन फिर भी चले जा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ चढ़ रहे हैं, शर्मा जी भी चढ़े जा रहे हैं। बड़ी बात ये है, और वो मंदिर चलो दिखाते हैं आपको, गणेश जी के दर्शन कराते हैं। बहुत खूबसूरत तितलियाँ, छोटी छोटी। ये एक तितली इन तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये है 32 खंभों की छतरी, सॉरी। शायद इस पे काम चल रहा है अभी, तो इसको आगे से बंद कर रखा है, आने जाने का रास्ता नहीं है। 32 खंभों पे टिकी है ये, ऐसे 32 खंभे हैं और इन पे इसको टिकाया गया है। और इधर धूप, हाँ, ये आगे मंदिर जाने का रास्ता। वीरदेव ने 16 युद्ध जीते थे, 17वां हारा नहीं था, बल्कि धोखे से उसको मार दिया गया था। तो रानी ने जोहर किया था, रंगा देवी ने किसमें, तालाब में कूद कर। ये राजस्थान का पहला जल जोहर था, एकमात्र। ने दिख रहा है आपको पद्मताल, और वो जो झरोखा दिख रहा है, झरोखे से रानी नीचे कूदी थी जोहर करने के लिए। वो एक बगीचा जैसा बना है, यही है पद्मताल, कमल ताल बोलते जिसको, जहाँ रानी ने जोहर किया था। यहाँ अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भक्त इस तरह से लगा के जाते हैं। देर छुपा हुआ सा कुछ है, ये इसका इतिहास में वर्णन आता है प्रज्ञा? ये महल दिखता नहीं है पूरी कहीं से भी, छुपा हुआ महल है ये छुपा हुआ महल है। हाँ, नीचे देखिए आप, बहुत नीचे तक है, हम यहाँ खड़े हैं। ये ऊपर का धरातल है, और ये इससे नीचे इतना जाने पर पहाड़ों से नहीं, पेड़ पौधों से ढका हुआ है, ज़्यादा दिखता नहीं है। राजा महाराजा के रहने के लिए रास्ता सामने, हमारे मंदिर का रास्ता, चढ़ते हुए उतरते हुए सीढ़ियाँ। ये मंदिर परिसर है, पीछे देखिए आप, यहाँ वीडियोग्राफी सख्त मनाई है मंदिर के अंदर। ये लाल जी हमारे,
और ये पीछे मंदिर है वहाँ अबे जहाँ गणेश जी विराजमान रहते हैं। तो अंदर से तो कर सकते हैं, इसलिए बाहर से वीडियो बनाया गया है। ये बाप बेटी आ रहे हैं। यही तक वीडियोग्राफी अलाउ है, उसके बाद में ये भक्त दर्शन करके आ चुके हैं और ये भक्त पानी पीकर आ चुके हैं। जय हो गजानन गौरी पुत्र विनायक प्रभु सारे विघ्न बाधा। भक्त चल पड़े हैं इन रास्तों पर, बड़े पथरीले टेढ़े मेढ़े से रास्ते, सुनसान जंगल से रास्ते, लेकिन अपनी धुन में चले जा रहे हैं। दोस्तों, शादी का पहला निमंत्रण गणेश जी और रिद्धि सिद्धि को देकर हम रणथंभौर से रवाना हो चुके हैं। गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो रिद्धि सिद्धि के साथ पधार कर शादी के सभी कार्य निर्विघ्न रूप से सफल करें, सभी कार्य मांगलिक ढंग से संपूर्ण हो और आप हमारे साथ बने हैं इसके लिए धन्यवाद। इसी तरह अपना साथ बनाए रखें और सोना को आशीर्वाद देते रहें।